वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज आपको मैं फिर से 13th मार्च जो आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, हम 13 मार्च को लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग देखेंगे, ऑप्शन बाय। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको पहले भी लाइव जो वीडियो पोस्ट किया है मैंने, 6th मार्च का लाइव ट्रेडिंग, 7th मार्च का और 11th मार्च का, 12th मार्च का। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आज जो है वो देख रहे हैं हम यहाँ पे 13th मार्च का लाइव ट्रेड देखने जा रहे हैं। तो 13th मार्च के लाइव ट्रेडिंग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये मेरा एल्गो ट्रेडिंग टूल है, कस्टमाइज इंडिकेटर टूल। हम को ये यूज़र को यहाँ पर अपनी मर्जी से आप कोई सा भी लॉजिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बनाने के बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है ट्रेल कराने के लिए, और अगर आपको पार्शियली प्रॉफिट बुक करना है सारे ऑप्शन अवेलेबल है। कौन सी प्राइस वाली हमको प्रीमियम वाली स्ट्राइक प्राइस चाहिए वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स ऑप्शन अवेलेबल है। लाइव ट्रेडिंग के साथ में हम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग से हमको ये पता लग जाता है कि वाकई में ये वो लॉजिक हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ मतलब बिना पैसा लगाए हम चेक कर सकते हैं। तो आज आपको मैं लाइव ट्रेडिंग दिखाने जा रहा हूँ और 13th मार्च की, और यहाँ पर मैंने 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है ट्रेड किया है, और साथ में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ लॉक प्रॉफिट का ऑप्शन है। लॉक प्रॉफिट से क्या होता है, एक बार हम पॉजिटिव चले जाते हैं तो फिर आपस में हमारा प्रॉफिट लॉक होता हुआ चले जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में इंडिकेटर ऑप्शन अवेलेबल है, साथ में यहाँ पर लॉट मल्टीप्लीकेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ इस लॉट मल्टीप्लीकेशन से हमको किस तरह हेल्प मिलती है, ये मेरा आज का लाइव ट्रेड है। अब लाइव ट्रेड में आप देखेंगे कि मुझे जो है यहाँ पर देखिए कितनी ट्रेड, मतलब मुझे जो है 11वीं ट्रेड के बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, अगर ये यहाँ पर लॉट मल्टीप्लीकेशन इस्तेमाल हुआ है, साथ में इंडिकेटर कॉम्बिनेशन प्लस लॉट मल्टीप्लीकेशन दोनों इस्तेमाल हुआ है, अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि मैं सिर्फ इंडिकेटर का जो मैंने कॉम्बिनेशन लिया वही लेता और ये यहाँ पर जो है सेम क्वांटिटी से पूरे दिन भर ट्रेड होता, मतलब मान लीजिए मैक्सिमम क्वांटिटी मेरी 480 थी, अगर मान लीजिए 480 से मैं स्टार्ट करता और 480 से कंटिन्यूस ट्रेड करता तो लगभग लगभग मुझे जो है यहाँ पर 14,000 के आसपास का, लगभग 14,000 के आसपास का नुकसान होता। और मैक्सिमम लॉस मेरा कहाँ तक चला गया था, मैक्सिमम लॉस मेरा चला गया था लगभग 26,000 तक। ठीक है, बट इसके केस में देखूंगा तो मेरा मैक्सिमम लॉस कहाँ तक गया था, मैक्सिमम लॉस मेरा गया था लगभग 4,000 के आसपास। ठीक है, और मुझे प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ, 10,483 का हमने प्रॉफिट अर्न किया। अब देखते हैं लाइव ट्रेडिंग की किस तरह से ये जो है किस तरह से आज 13 मार्च का लाइव ट्रेड किया है हमने। उससे पहले लगी आप देखिए 6,000 हमने 6 मार्च को किया था, उसके बाद 657 ओनली 7th मार्च को, उसके बाद में 11th मार्च को हमने लगभग 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया, 12th मार्च को लगभग 9,000 का प्रॉफिट, और आज हमारा 10,400 समथिंग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लाइव हमारी लाइव ट्रेडिंग देखते हैं। लाइव ट्रेडिंग आप अपने कॉम्बिनेशन कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वो डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर, कि आप किस तरह से किसी चीज़ को अच्छे से, अगर आपको स्टॉक मार्केट का अच्छे से नॉलेज है तो आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। ये देखते हैं हम आज का हमारा लाइव ट्रेड। हमारा 13th मार्च का लाइव ट्रेड है, 9:54 हो रहा है, 9:54 हो रहा है, लगभग 200-300 रुपये का हमको यहाँ पे नुकसान चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर जो आज ट्रेड की हमने ये नेक्स्ट एक्सपायरी में की, चूँकि आज एक्सपायरी बैंक निफ्टी इसलिए हमने जो स्ट्राइक लिए वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाली लिए। अब देखिए लगभग 10:48 पर 10:45 के आसपास हमको लगभग 3,000 का नुकसान चल रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लगभग 3,000 का हमको लॉस चल रहा था 10:48 पर। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने एक्सपायरी ली है वो नेक्स्ट एक्सपायरी ली है, देख सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में हमने ट्रेड किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमारा ट्रेड चला है, और उसके बाद में आप लगभग 11:25 के आसपास देखिए, 11:25 के आसपास क्या हुआ था कि हमको एक बम्पर प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 13,000 हमारा लॉक हो गया था, हमने चूंकि लॉक प्रॉफिट का ऑप्शन इस्तेमाल किया हुआ है तो 15,000 तक हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट गया और 13,000 हमारा लॉक हो गया था। उसके बाद को लॉक होने के बाद में हमको जो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉफिट हुआ वो 10,483, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं 2,500 के आसपास का हमको स्लिपेज देखने को मिला। वो इसलिए लगभग क्योंकि हमने जो एक्सपायरी ली थी वो नेक्स्ट ली थी, तो नेक्स्ट लेने में थोड़ा सा क्या होता है कि आस्क और बिड प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होता है, और मूवमेंट काफ़ी तेज था इसलिए यहाँ पर हमको थोड़ा, और क्वांटिटी भी हमारी ज़्यादा थी, 480 क्वांटिटी थी, इस वजह से हमको थोड़ा सा यहाँ पे अगर करंट होता तो लगभग 1,500 रुपये ज़्यादा स्लिपेज हमारा जाता नहीं। ठीक है, तो ये हमारा था 13th मार्च का लाइव ट्रेड।